सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो के एक लेटेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपको इसी मंथ में देखने को मिल जाएगा, जो कि फुल टक्कर देने वाला है रियलमी के 3 प्रो को और रेडमी के नोट 7 प्रो को। ये दोनों ही इस प्राइस सेगमेंट पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे मोबाइल हैं और इनको टक्कर कोई भी मोबाइल दे नहीं पा रहा है। तो अब वीवो एक लॉन्च करने जा रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का फोन लॉन्च करने वाला है, उसी की सभी स्पेसिफिकेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। जो कि ये लॉन्च करने जा रहा है वो वीवो का Z5X मोबाइल लॉन्च करने जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का मोबाइल होने वाला है और इसकी प्राइसिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो इसी वीडियो में आपको सभी चीज़ के बारे में मालूम पड़ जाएगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं कोई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीवो के Z5X की डिस्प्ले से कि डिस्प्ले आपको इस पर कैसे देखने को मिलने वाली है। जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है वो 6.53 इंच की एक फुल HD वाली LCD IPS डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि एक पंच होल डिस्प्ले के साथ में आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही कमाल की आपको खूबसूरत देखने में लगने वाली है। क्योंकि ये पंच होल डिस्प्ले के साथ में कॉर्नर पे आपको एक कटआउट मिल जाएगा फ्रंट कैमरे के लिए, जिसको बोलते हैं पंच होल डिस्प्ले। अब बात कर लें हम इसके कैमरे सेगमेंट की, तो कैमरा इस पर आपको रियल साइड पर जो हाईलाइटिंग फीचर है इसका वो कैमरा ही होने वाला है, क्योंकि इस पर आपको ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। साथ ही में आपको पंच होल में एक सिंगल फ्रंट साइड का कैमरा देखने को मिल जाएगा। जो कि हम बात कर लें कि मेगापिक्सल की, तो जो आपका रियल साइड पर पहला है कैमरा वो होने वाला है 16 मेगापिक्सल का और जो सेकेंडरी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का होने वाला है, जो कि थर्ड कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का होने वाला है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस पर भी आपको वीवो की तरफ से इस प्राइस सेगमेंट पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है और जो फ्रंट साइड पर होने वाला है वो 16 मेगापिक्सल का होने वाला है। अब बात कर लें इसकी परफॉर्मेंस की, जो कि प्रोसेसर मोबाइल का मेन चीज होता है, जो प्रोसेसर चिपसेट ये इस बार आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है वीवो की तरफ से, जो कि आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि लेटेस्ट चिपसेट है। जैसे कि आपने देखा ही है कि रियलमी 3 प्रो में यही चिपसेट यूज किया गया है, तो आपको स्नैपड्रैगन का 710 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लें हमें इसकी बैटरी की, तो बैटरी आपको 5000mAh की इस पर बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही कमाल की बैटरी होने वाली है। साथ में फास्ट चार्जर को सपोर्ट करने वाली है, टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा आपको इस मोबाइल में और साथ में आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लें हम इसके रैम वेरिएंट की और इसकी प्राइसिंग की और इसकी लॉन्च डेट की, तो हम बात कर लें सबसे पहले इनकी रैम वेरिएंट की। रैम वेरिएंट आपको सभी रैम वेरिएंट के साथ में देखने को मिल जाएगा, 4GB 64GB 6GB 128GB और 8GB 256 इंटरनल स्टोरेज वाली आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब 8GB और 256GB वाला भी आपको वेरिएंट इस पर देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लें हम इंडिया में ये लॉन्च कब होगा और किस प्राइस सेगमेंट में ये लॉन्च होने वाला है, जो कि आपको लॉन्च होते हुए दिख जाएगा इसी मंथ के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। और जो इसकी प्राइजिंग बताई जा रही है कि 15,000 से 16,000 के बीच में इसकी प्राइजिंग होने वाली है, जो कि फुल टक्कर देने वाली है रेडमी नोट 7 प्रो और रियलमी की 3 प्रो को फुल टक्कर देने वाली है। सो गाइस इतनी कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन इसकी निकल के आई थी, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंफर्म कर दी है। सो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।